भारत एक्सप्रेस की तमाम टीम्स लगातार आपको मौके से अपडेट दे रही हैं, और ये जो ट्रेन हादसा हुआ है इस पर हमारे सहयोगी विशाल सिंह यहाँ पहुंचे, उनकी खास रिपोर्ट देखिए। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो कि गोंडा के झिलाही स्टेशन के पास एक गांव पड़ता है पिकौरा, वहां पर बेपटरी हो गई, और बेपटरी होने के बाद उसके एसी के 4 से 5 डिब्बे पलट गए। मेरे दाहिनी तरफ आप ये सीन देख सकते हैं कि ये एसी के वो बोगी हैं जो कि चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस के हैं, जो ये A1, A2, B2 के साथ ही 2 आगे के और डिब्बे हैं जो कि यहाँ पर बेपटरी हुए। बेपटरी होने के बाद यहाँ ये पलट कर किनारे पलट गए। इसमें काफी लोगों के घायल होने की भी अभी तक आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियली स्टेटमेंट सामने आया है उसमें बताया गया है कि 1 यात्री की मौत हुई है और लगभग 8 लोग घायल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो राहत बचाव कार्य है वो पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। RPF, GRP, गोंडा पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस और मेडिकल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। ये वो डिब्बे हैं, एक एसी का, इसके आगे का B2, ये B2 का वो डिब्बा है जो कि वो भी बेपटरी होकर, हालांकि पलटा नहीं लेकिन पलटने की स्थिति में आ गया। तो लगभग 4 से 5 डिब्बे एसी के डिब्रूगढ़ इस एक्सप्रेस के एसी के 5 डिब्बे हैं जो यहाँ पर बेपटरी होके कुछ डिब्बे पलट भी गए हैं, कई यात्री लगभग घायल। ये चंडीगढ़ से होकर डिब्रूगढ़ के लिए ट्रेन निकली थी लेकिन गोंडा से के झिलाही स्टेशन के पास ये बेपटरी हो गई जिसमें कुछ यात्री घायल भी हो गए। इसके अलावा अब जो यहाँ पर रेलवे की तरफ से जो राहत बचाव कार्य है वो भी जारी कर दिया गया है, ऑफिशियली जो स्टेटमेंट है। हालांकि रेलवे की तरफ से अभी तक तो वो नहीं आया है लेकिन गोंडा SP विनीत जायसवाल ने यहाँ पर खुद कमान संभाल रखी है। उन्होंने लोगों को यहाँ से हटने की अपील करते हुए राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया है। CO और RPF के उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं लेकिन जो रेलवे की तरफ से राहत बचाव कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और गोंडा DM नेहा शर्मा का भी यहाँ पहुंच चुकी हैं, उन्होंने भी स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जो रेलवे की तरफ से अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है वो ये है कि जो यहाँ पर यात्री फंसे हुए हैं उनको किस तरह यहाँ से सुरक्षित लेकर अपने गंतव्य तक पहुँचाया जाए। हालांकि अब रेलवे की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर दिए गए हैं और यहाँ से बगल में ही गोंडा का मनकापुर रेलवे स्टेशन है, वह हो सकता है यात्रियों को वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाया जाए, या लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर गोंडा मुख्यालय का रेलवे स्टेशन है। जो यात्री यहाँ इस डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से अब जो फंसे हुए हैं यहाँ मौके पर, हो सकता है उन्हें गोंडा शिफ्ट किया जाए और गोंडा शिफ्ट करने के बाद उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी तक जो रेलवे के सामने अब सबसे बड़ा चुनौती है वो ये है कि किस तरह वो इस रेलवे प्लेटफार्म को खाली कराएगा, क्योंकि यह जो लाइन है ये गोरखपुर से लखनऊ की मेन लाइन है, ये यहाँ की कई लाइनों को जोड़ती है और ये यहाँ से भारत के दूर दराज तक जाती है। इसके साथ ही ये जो राहत बचाव कार्य है आप देख लीजिए कि मेरे पीछे यहाँ पर जो है वो यहाँ के जो UP फायर सर्विस के लोग हैं वो भी मौजूद हैं और वो स्ट्रेचर पर जो घायल हैं उनको लेकर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो रेलवे की तरफ से यहाँ पर राहत बचाव कार्य है वो तो शुरू कर दिया गया है लेकिन अब जो ट्रेनें इस हादसे की वजह से लेट होंगी उसको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए रेलवे के पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो काम है वो ये है कि इस रेलवे लाइन को, चूंकि ये आसाम से होकर चंडीगढ़ और भारत के अनेकों कोनों को ये मेन लाइन जोड़ती है, तो इसको कितनी जल्दी यहाँ से खाली कराया जाए, जो घायल हैं या जो यहाँ फंसे हुए हैं उनको किस तरह से यहाँ से निकालकर उनके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए, तो ये गोंडा प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन सबके लिए एक चैलेंजिंग काम है। हालांकि सभी तत्परता से इसमें लगे हुए हैं और इस रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है या गलती कहां पर हुई इसकी भी समीक्षा आगे की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे रेल हादसे में का संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा है कि घायलों को समुचित तत्काल उपचार दिलाया जाए और आगे भी CM योगी आदित्यनाथ की जो नजर है उस इस पूरे हादसे पर बनी हुई है। गोंडा से विशाल सिंह, भारत एक्सप्रेस।